أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد. Allah, 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 All
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, कभी मौसो ख्वाजा के नारों से उलझे, तो कभी औलिया के मजारों से उलझे, ये खाकर नियाजे नियाजों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलाबों से उलझे, मुन कर जब खाने बुलाने वाले, मुन कर जब खाने बुलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सवारी से अपनी तुझस दम उतरना, मदीने के आशिक जरा तू संभलना, क्योंकि यहाँ है मेरे मुस्तफा का गुजरना, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मुनाफिक है गंदा है वल्ला, हजारत का बल के बुलंदा है वल्ला, अरे जो मुर्दा कहे तुमको मुर्दा रहेगा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है किनारों से उलझे, तो कभी औलिया के मजारों से उलझे, ये खाकर नियाजे नियाजों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलाबों से उलझे, मुनकिर अजब खाने बुलाने वाले है, मुनकिर अजब खाने बुलाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, आओ बच्चे।
اللهumma salli ala sayyidina Muhammadin اللهumma salli ala sayyidina ہمارے آج کے میزبان محترم قبلہ جناب حاجی محمد سلیم صاحب
और जितने भी आप यहाँ पर इनके मुआविनीन मददगार बैठे हुए हैं, सबकी खिदमत में बड़े ही अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौल सामीन, इससे पहले भी कई मरतबा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन आज मेरे लिए और यकीनन आप सब के लिए भी ये लम्हात, ये घड़ियां, ये वक्त बड़ा ही बबरकत और बड़ा ही मुबारक है कि ख़ास तौर पर मेरे पीर मुर्शद और दरबार आलिया मोड़ा शरीफ हजरत ख्वाजा बाबा कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नज़र क़िबला पीर डॉक्टर फजील अयाज कासमी साहब दामत बरकात मुलालिया आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़श्ता दो हफ्तों से आप सिडनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तबलीगी रूहानी दौरे पर तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सिडनी में फिर न्यूजीलैंड में बड़े अजीम शान बड़े रूहानी प्रोग्राम मुनक़द हुए। पहली मरतबा आप यहाँ मेलबर्न में तशरीफ लाए, ग्रिफ़िथ में और उसके बाद शपिंटन में, और आज इस वक्त आपके पास पहुँचे हुए हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबका बहुत पाक ख्वाजा गरीब नवाज तमाम औलिया कामिलीन खुसूसन ख्वाजगान मौला शरीफ का सबका हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मौला सामीन, मौला शरीफ ये बड़ी रूहानी और बड़ी बबरकत दरगाह है जहाँ पर हजरत ख्वाजा बाबा कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 80 साल 80 ईयर पहाड़ों में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाई, अल्लाह का जिक्र किया, और फिर उनके बाद उनके बेटे उनके नूर नजर वक्त के इमामुल आरिफीन हजरत गरीब नवाज पीर जैद खान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया आप वहाँ तकरीबन अरसाए 50 साल बैठकर उसी मकाम पर अल्लाह का जिक्र करते रहे। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। और फिर उनके बाद उनके लख्ते जिगर क़िबला पीर आफ़ताब अहमद कासमी दामदवर रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत पीर औलिया बादशाह और आज क़िबला पीर डॉक्टर फजील अयाज ये पांचवी नस्ल है जहां पर मोड़ा शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की सदाएं जो है वहां पर बुलंद हो रही है। इस अल्लाह के जिक्र की बरकत से वहां के दर दीवार, वहां की हवा, वहां की मट्टी, वहां के पत्थर, उनमें भी अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें रखी हैं कि जो लोग वहां जाते हैं वो अल्लाह की रहमत का फैज और बरकतें लेकर लौट कर आते हैं। दरगाहें तो दुनिया में बेशक जितनी भी हैं, हम सब के कायल, सबसे मोहब्बत करने वाले, तमाम औलिया कामिलीन को मानने वाले हैं, मगर मोड़ा शरीफ एक ऐसी दरगाह है जहां पर वलायत के साथ साथ सिलसिलाए आलिया नक्शबंदिया का जहां पर फायस समुंदर की तरह लोगों को मिल रहा है, इसके साथ साथ वहां दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ जो है वहां पर आज भी मौजूद है। हजारों लाखों लोग जब साल के बाद वहां उर्स होता है पूरी दुनिया से सिर्फ उस जुब्बा रसूल की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। तो माशाल्लाह क़िबला पीर साहब जुब्बा रसूल के अमीन भी हैं और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि अल्लाह के किसी भी नबी के जिस्म के साथ
कोई चीज जब लग जाती है वो बाबरकत हो जाती है। और फिर जिस वक्त तक वो कमीज, वो मुंह मुबारक या नालैन शरीफ या कोई प्याला या कोई ऐसी चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के नबी के जिस्म के साथ लगती है, जिस जमीन पर, जिस घर में, जिस दरगाह में होती है, वहां पर लाखों लोग जब जमा होकर अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह उस जुब्बाए रसूल की बरकत से उन दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। किबला पीर साहब हमारे लिए दो वजह से, मैं समझता हूं बहुत ज्यादा अदब और एहतराम के लायक है। नंबर एक कि आप हजरत गौसु जमा ख्वाजा बाबा कासिम औलवी रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नजर और आपके खानदान आपके पोते हैं, और नंबर दो पीर साहब किबला जुब्बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का जुब्बा जो है वो आपके पास वहां पर मौजूद है। अल्लाह ताला किबला पीर साहब का यहां आना और यहां पर जो भी जिक्र किया, दुआएं की, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहां जहां लोगों ने वली ये कामिल समझकर, वली की औलाद समझकर, नबी करीम अलैहिस्सलाम के आशिक समझकर दुआ के लिए दरख्वास्तें की, अल्लाह ताला सब की मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामईन, अल्लाह ताला के जो वली होते हैं उनकी बड़ी बड़ी करामतें हुआ करती हैं, लोग बयान करते हैं, देखते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि आज मैं आपके सामने अगर हूं, बोल रहा हूं, अल्लाह ने दीन का इलम दिया और जो भी मैं हूं आज, ये किबला हमारे पीर साहब के जो वालिद ग्रामे पीर अफ्ताह अहमद साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह थे, ये उनकी दुआ की बरकत है। मेरे वालिद ग्रामी ने एक मरतबा अपने इलाके में, अपने गांव में एक मदरसा ऐसे ही दरस बनाया, तो बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की, तो मेरे वालिद साहब किबला पीर साहब के पास गए, कहा जी लोग बड़ी मुखालफत करते, आप दुआ करें अल्लाह मुश्किलें आसान करें। तो पीर साहब ने फरमाया कि आपको दरस चाहिए या हाफिज चाहिए, दरस चाहिए या, ये पीर साहब के अल्फाज से, या हाफिज और आलिम चाहिए। उन्होंने कहा जी चाहिए तो दरस हाफिज और आलिम ही, इसलिए तो दरस बनाया है। पीर साहब ने फरमाया जाओ तुम्हारी नस्लों में जो है अल्लाह ताला हाफिज और आलिम पैदा करेगा। मैं आपको अल्लाह के घर में बैठा हूं कि उसके बाद मेरे खानदान में मैं सबसे पहले और उसके बाद मेरे खानदान में जितने भी हमसे छोटे हैं वो सब कुरान के हाफिज और कारी हैं। माशाल्लाह यहाँ कनाडा में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में और दुबई में जितने हमारे कजन हैं, मुझसे 70 के करीब इस वक्त हाफिज और कारी जो है वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये भी हमारे पीर साहब के वो अल्फाज थे। मेरा बेटा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने यहाँ पर 20 हाफिज कुरान पाक के इस पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं, और इंशाल्लाह एंड ऑफ ईयर ये हाफिज़े कुरान बन जाएगा। तो यहाँ भी रहकर मैं समझता हूँ ये पीर साहब की वो दुआ जो है उसका फैज और हमें ये अल्लाह ताला अता फरमा। तो मैं यानी ज्यादा और न कहते हुए इंशाल्लाह पीर साहब आखिर में जिक्र के साथ हम सब के लिए दुआ फरमाएंगे। बेशक सारे ही अल्लाह के वली बड़ी ही इज्जत के लायक होते हैं, उनका अदब करना चाहिए चाहे वो किसी भी दरगाह से हो। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, इसी तरीके से हर अल्लाह के वली का अपना फैज होता है। हम उनसे जो भी फैज ले सकते हैं हमें लेना चाहिए, और ये लम्हे, ये वक्त, ये जो महफिलें हैं, ये किस्मत वालों को अल्लाह ताला नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह किबला पीर साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो अपने नूरानी और विजदानी बयान से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाए। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए तहकीक। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رضوان اسلام رضوان دین متین شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء السلام علیکم تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہے سبحان اللہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو کریم ہے ہم اسی کے آگے سے دریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے جو نور الہیت ہے تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے یا رسول اللہ تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے یہ جہاں فانی ہے مگر تیری ذات لا فانی اس لا فانی نے تیری شان بنائی ہے اللہ کے گرامی قدر I'm really thankful to حاجی سلیم صاحب who invited me to come over here which is a wonderful evening one of my two three friends who recited Naat Sharif in a very beautiful way a very impressive way so these moments are really blessing for everybody who recited zikr or whatsoever or Naat Sharif is the same thing and we links with the Sufi people the Sufi always invites those who have a great respect in their heart in their thoughts in their feelings regarding to the Prophet Muhammad and the Prophet if you look the history of the Prophet Islam and the blessing life of the Prophet Islam it is full of blessing because Almighty Allah himself mentioning in the glorious Quran and nobody can challenge that we are lucky that we are linked with such a people who devoted their lives and sacrificed their lives according to the guidance of the Prophet Muhammad that's whatsoever the order either Naqshbandi Qadri Chishti Shadri Abbasi these orders are straightly goes to the Prophet's love indicates and align your hearts so Allah Subhanahu wa ta'ala is mentioning in the glorious Quran wama sallaka illa rahmatul alamin subhanallah mercy for whole universe if I am the creator of this world Rahman and Rahim and the master of the day of judgment but my beloved the exalted one on the face of the earth that is sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam is mercy for everybody not the time of 1400 years ago jab tak ye suraj chamakta rahega jab tak chand chandni bikherta rahega mere nabi ki rehmaton ka faiz jari hoga nare takbir allahu akbar nare risalat ya rasulullah nare takbir and if you look and the history and the character of the companions of Prophet Islam they are fully devoted and sacrificed according to the Prophet and as I belong to the Naqshbandi order and the first Khalifa of Sayyidina Abu Bakr Siddiq his character was glorious on higher stations so kaise tha usne ye nahi dekha ki mera Mustafa kya kehta hai usne ye kaha ki jo Mustafa kehta hai wo barhak kehta hai he don't needs any arguments yeah journey by night jo aap the Miraj se hua hai subhanallah jab saron ne kaha ki ye is the very span of night in a very short time the prophet islam traveled from makkah to baitul muqaddas and from baitul muqaddas to go he went to the higher stations and he received the divine reality of almighty allah it is impossible sab ne kaha it is impossible this journey is impossible लेकिन जब अबू जहल मेरे आका के फर्स्ट खलीफा के पास जाता है कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने आज एक नई बात छेड़ दी है
ये रातों रातों सफर करके आसमानों से होके वापस आ गया. That is impossible. It's beyond your imagination. सुभान अल्लाह. कहा अगर मेरे मुस्तफा ने कहा है तो सच कहा. वो कर सकता है, वो जा सकता है और उसके जलवों से सीने को मनवर हो सकता. हम हमारा ये अकीदा है ना, जाए हम जितने बैठे हैं लेकिन आशिक बैठे. हाजी शरीफ साहब को मैं सलाम करता हूँ कि इस दियारे गायर में भी मेरे नबी के इश्क का फैज जारी किया है. अलामा हजारी साहब को सलाम करता हूँ. मुश्किलें आती रहती हैं बट अपने ट्रैक से डी ट्रैक नहीं हुए. प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस एंड द लव ऑफ अ प्रैक्टिस. और जो ये करता है उसे कमली वाला नजरे करम फरमा. हम क्यों दुरूशी पढ़ते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू स्पीच इन डिटेल्स, यू नो, आई एम जस्ट पिकिंग अ फ्यू हिंट्स, यू नो, टू जस्ट टू एलैबोरेट यू द रियलिटी एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द प्रॉफिट्स अमंग द ह्यूमैनिटी. सुभान अल्लाह. इंसान जो हद है, सब कहते हैं हमारे जैसा नबी. मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि तुम कहते हो हमारे जैसा है, तो फिर हदीसों को उठाकर देखो. जब मेरे नबी ने मतवाकर रोजे रखे थे, वो जो सहाबी जो नूर के जलवों में रहने वाले, जो मेरे प्रॉफिट के करीब रहने वाले, एंड दे अटेन द रियलिटी एंड द लव ऑफ द प्रॉफिट डायरेक्टली, वो भी रखने लग पड़े और चंद दिनों के बाद चेहरे मुरझा गए. मेरे नबी ने पूछा तुम्हारे चेहरों को क्या हो गया है? कहने लगे या रसूलल्लाह आप भी मतवातर रोजे रख रहे हैं, हम भी मतवातर रख रहे हैं. तो मेरे नबी ने कहा कि क्या तुम मेरी नस्ल हो, क्या तुम मेरे जैसे हो? ये किसको कहा होगा? अबू बकर को कहा होगा, उमर फारूक को कहा होगा, अली शेरे खुदा को कहा होगा, बिलाल हबशी को कहा होगा, अबू हुरैरा को कहा होगा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को कहा होगा. उनके इल्म भी आला है, उनका इश्क भी आला है, उनकी वफा भी आला है, उनका जिक्र भी आला है, उनका नबी के साथ इश्क भी आला है. अगर नबी उन्हें कह सकता है कि तुम मेरे बराबर नहीं हो, तो आज जो की सदी का मुसलमान कैसे हो सकता है? ये तो उस मेरे नबी का स्लोगन है और हर नबी जो आता रहा सबका यही स्लोगन है. एक रब की बंदगी का पैगाम. तो मेरा नबी जो है वो अंग्रेज कहता है कि मेरा नबी, मैं सलाम करूं अपने नबी पे, सल्यूट करूं, दुरूद पढूं, जिक्र करूं, चाहे वो उर्दू में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, व्हाट सो एवर द लैंग्वेज यू यूज, बट विद डिवोशन एंड सिंसियरिटी. सुभान अल्लाह. यू विल गेट द रियल लाइट एंड द लव ऑफ द प्रॉफिट. सुभान अल्लाह. वो कहता है ये नबी जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी जबान से मेरे नबी की अजमत एंड करेक्टर के लिए रियलिटी निकल रही है. द वर्थ ट्रस्टी प्रॉफिट ऑफ ऑन द फेथ ऑफ द अर्थ. उनके जबान से निकलती है. वो कहता है ये अरब के बिखरे वालों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, बल्कि कायनात के बसने वालों को अमन का पैगाम देने के लिए. मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी. सुभान अल्लाह. ये मेरे आका का मकाम. तो सुप्रमेसी को देखे. एक मैं कोट करना चाहता हूँ. हजरत अलामा बैठे हैं, बड़े इल्म वाले, मोहब्बत वाले, और इन्होंने बात की है ये बिल्कुल सच्ची. जब वली की जबान से कोई वक्त होता है ना, जब निकल जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और उसकी जिंदा दलील और मिसाल ये बैठे. और फिर यहाँ भी हाफिज बन के, आलम बन के पाकिस्तान नहीं दुनिया का सफर कर रहे हैं. तो फिर देखो सुप्रमेसी कि हजूर आका मदनी ताहिदा कमली वाला आका नूरे मुजस्सम सैयद अल मुरसलीन खातम नबीयीन रहमतुल आलमीन मर्सी फॉर ह्यूमैनिटी मर्सी फॉर एवरीथिंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ. ये सिर्फ ह्यूमैनिटी नहीं, मैंने ह्यूमैनिटी बात की है, आपकी तो मर्सी जानवरों पे भी है, हालात पे भी है. वो है वो त्रिमजी शरीफ की हदीस को देखे ना, अगर मर्सी ने तो वो रोई है ना, वो जो जिस पे खजूर का तना, जिस तरह के साथ कमली वाला अपना नूर का जिस्म लगाता था और बैठ के हिदायत का पैगाम देता था. He gave the right message to their lovers. सुभान अल्लाह. तो वो क्या था, जब किसी आशिक ने मिंबर ला दिया, कमली वाला मिंबर पे बैठता है तो वो तना रोने लग पड़ता है, सुभान अल्लाह, सिसकियां लेके रोने लग पड़ता है, क्राइंग.
लाइक अ चाइल्ड। और सारे सुन रहे हैं साहबा ये क्या हो गया, अमेजिंग बात। लेकिन अब ये हमें अकल हमें बताने के लिए, उन्हें तो मालूम था ये नबी इंसानों का नहीं है, ये कायनात की हर चीज के लिए नबी बन गया। चले जाते हैं तो घर जाके वापस आए, अब खुशी का आलम देखो, उनकी हैप्पीनेस, उनकी प्लेयर्स का आलम देखो कि मेरे नबी ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। तो जब उस कबूल करने पे खिलाने के बाद अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं, ऐ मौला करीम इस खुशी के आलम में हजूर मेरे घर आए हैं, उस घर में आने के बाद अपने घर के जितने कदम लगाए जाते हुए आते हुए हर कदम के सदके में एक एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करता। देखा मैं ऊंट दे दूंगा तो कमी हो जाएगी, उन्हें ये ईमान था कि इससे ज्यादा मिल जाएगा। अब इस मंजर को बाकी तो धावा देख रहे थे, ये कैसा अजीब मंजर है। तो सैयदना अली के दिल में भी ख्वाहिश आई, desire hui ke I want to invite Prophet sallallahu alaihi wasallam but I don't have the worldly things with me like the Sayyidina Uthman ibn Ali. Aap afsurda ho gaye, feeling sadness. Lekin Bint-e Rasool ne kaha jao, try to invite Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Invitation di jab aaye, aur same manners unhone bhi footstep gine, sari daawat hogi, jab wapas aaye to sochte hue aaye ab kya hoga. Jab aaye that was the golden moments, you know, jab aap ghar aaye बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा की तरह नहा, आप सजदे में गिरी हुई हैं और गिड़गिड़ाकर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करती हैं, मौला करीम दुनिया के मामलात तो नहीं है लेकिन तेरे दरबार में सजदा रेज होकर ये दुआ करती हूँ, जिन तेरा महबूब मेरे घर मेहमान बनकर आया है, तेरा प्यारा नबी मेरे घर पर आया है, उस खुशी के सदके जितने कदम लगाए आते हुए जाते हुए हर कदम के सदके इस उम्मत के गुनाहगारों को बख्श जाता, कितना बड़ा इनाम है, ग्रेट ब्लेसिंग ओनली फॉर द सीकर्स एंड द लवर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ट्राई टू बिकम अ लवर्स, और उस वक्त ये अटेन होगी जब यू लिंक विद द सूफी ऑर्डर, सूफी विल प्यूरिफाई योर इनर एंड आउटर वर्ल्ड, दैट्स व्हाई आई कम ओवर हियर टू रिसाइट सीकर। I'm really thankful to Haji Salim sahab and Allama Hazarvi sahab. ये तो हमारे वजह बने, Hazarvi sahab ने बुलाया, पहले सिडनी में बुलाया, आज पूरे ऑस्ट्रेलिया में सैर करा रहे हैं। सुभानअल्लाह। ये जिक्र देख रहे हैं, last time on Friday we were there in Griffith. It was very nice gathering over here and जिक्र there. तो आज की जो महफल है ना, really it's great blessing for me. ये आपके सामने जो नात पढ़ने वाले जो आए बच्चे ने बड़ी खूबसूरत है, really to recite the naat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But ye aaj ki baat nahi hai, think and take in your imagine, you know, the 1400 years when Hasan bin Sabit jab recite karta hoga to subhanallah, oh prophet you have been, you know, ke unhe kaha kya kaha tha, unka lam tarakat to hai subhanallah, yani ke matchless hai mera prophet, is aankh ne wo khoobsurat dekha, I have never seen such a handsome before that. And it is indeed you have been created as you wish. ये है वो कमाल। तो हमें भी अपने आका वो खुशकिस्मत हैं जिनकी आवाजें खूबसूरत हैं और उन आवाजों से मेरे आका की नात पड़ी जाती। कितना बड़ा इनाम है। सैयद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, वन ऑफ द बेस्ट कंपेरियंस एंड द थिंकर ऑफ द कुरान अजीम, ये है सैयद इब्ने अब्बास कहते हैं, ये सारी कायनात जो है इसमें नूर फैला है तो मुस्तफा करीम के नूर से फैला, सारी कायनात में नूर चमक रहा है तो ये नूर है तो मुस्तफा करीम का नूर से। एंड फिर उन्होंने कहा कि वी आर ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ दैट नूर, सुभानअल्लाह, उस नूर की उस हिदायत की राह पे हम चल रहे हैं। अगर उनका अकीदा ये है तो आज के मुसलमान का ये अकीदा होगा तो मेरा ईमान ये तकाजा करता है, फिर हाथ उठेगा जो कुछ मांगोगे कमली वाला था। आज की महफिल की गर्ज़ो गाइयत यही है, हम अल्लाह के जिक्र में आए हैं और जिक्र करने वालों को इनाम है, हदीस पाक है और बड़ी खूबसूरत हदीस से हज़रत उमर फारूक ज़रानु से रवायत है, और वो क्या कहते हैं कि जो अल्लाह के जिक्र में मस्त रहते हैं, जिक्र करते हैं, उन्हें इनाम क्या मिला, कहा कि सरकार फरमाते हैं कि अम्बिया और शोदा भी उन पर रश्क करते हैं। अब नबी का कितना मकाम है, वो प्राउडनेस करते हैं और अल्लाह ताला अपने अर्श के नूर के जलवों के करीब उन्हें जगा देता है। तो सहाबी पीछे से खड़े हो, या रसूल अल्लाह खड़े हो के पीछे, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से लोग हैं,
मेरे आका ने कहा सुनो वो लोग हैं जो औलिया कामलीन हैं और वो कामल औलिया होंगे मुख्तलिफ कबीलों में मुख्तलिफ इलाकों में होंगे और जब मैदान महशर सजेगा और रब्बे कायनात अपने अर्श के कुर्ब में उन्हें बैठाएगा नूरानी कुर्सियों में बैठाएगा वो अपने नूर की दस्तारे चेहरे उनके नूर से चमकते होंगे और फिर उन्हें देख कर अंबिया और जो है शोदा रश्क करेंगे जो अल्लाह के जिक्र में मस्त रहते थे उन्हें ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिक्र की बरकतें हैं, ये जिक्र की इनायात हैं, तो दुआ करें हमें भी जिक्र नसीब फरमाए। और जनाब बगदादी ने वो भी ही वाज अ ग्रेट सेंट ऑफ हिज टाइम एंड सूफी वो कहता है कि सूफी इज लाइक आर इज फॉर द इनोसेंट एंड लाइक द स्काई विद शेडीज एवरी मंथ एंड लाइक द रेन्स विद वाशिया वाशिया करता है। सुभान अल्लाह। सूफी ये नहीं देता या अमीर आ गया गरीब आ गया, वो जिस नजर से देखता है उसके सीने को पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। जब बारिश गिरती है तो ये नहीं देखती कि मैं प्राइम मिनिस्टर के घर में गिरूं और उसे साफ करूं, वो गरीब की झोपड़ी पर भी गिर जाती है, उसे तो इक्वालिटी है ना। तो यही वो है सूफी की नजर जिस पे पड़ जाए उसका सीना साफ। अल्लाह ताला हमें अपने आका के इन गुलामों के साथ मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, जिक्र फिक्र नसीब फरमाए, हाजी साहब को मौला करीम और तरक्कियां अता फरमाए और बुजुर्गान दीन के साथ नस्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। और ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अब खुद आई एम फीलिंग अनलकी, मेरे फादर नहीं है, वो चले गए, मैं आई वाज जस्ट 27 इयर्स एट दैट टाइम और आई जस्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ, पढ़ता ही रहा। तो मैं कहता हूँ कि वो जो हैं वो औलादें, वो जो चिल्ड्रंस हैं, दे आर लकी कि उनके पेरेंट्स उनके पास हैं, यानी कि मेलबर्न में हों या जिधर भी हों, डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और जो पे रिस्पेक्ट करता है, और हुजूर के हदीस है कि जो सुबह के वक्त अपने वालिद को प्यार से मिलेगा, तो अगर वालिद ने चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो एक मकबूल हज का सवाब उसे मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा इनाम अता किया जा रहा है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग टू देयर चिल्ड्रन इफ यू पे रिस्पेक्ट योर फादर एंड योर मदर। अल्लाह ताला हमें, यही तो टीचिंग ऑफ इस्लाम है, इस्लाम इज द मैसेज ऑफ पीस। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, हमारी जिंदगी गुजरने के जो तरीके हैं उसके मुताबिक है ये दीन, उसके हक के नहीं है। सर हम सोचे और अंडरस्टैंड करें, इफ यू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दैट गाइडेंस डेफिनेटली यू विल सक्सेस। अल्लाह ताला आपको बरकतें नसीब फरमाए, कामयाबियाँ नसीब फरमाए और इस मरकज को आबाद रखे। आप सब क्यों खाजगान पढ़ेंगे, दिस इज नक्शबंदी आर्डर, और जब मैं रिसाइट करूँगा मेरे साथ लाउडली प्लीज रिसाइट एवरीबॉडी। और इमाम नाज़िम फरमाते हैं कि जिस जगह पे जिस मकाम पे ख़त्म ख़ाज़गान पढ़ा जाता है वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا طافي البريات 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 اللهم يا منزل البركات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا خير الناصرين 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 يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين اللهم يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي
انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو 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 يا رسول الله اغثني 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 يا رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين कृपा करेंगे भक्तों के साथ आवाज मिलाकर जिक्र में शामिल हो और जब ला इलाहा इल्लल्लाह की दरबार लगाई जाए तो ला इलाहा के तरफ दाएं तरफ और इल्लल्लाह के तरफ दाएं तरफ अपने दिल के ऊपर जब लगाएं और हजूर के रोज़ा पाक का तसव्वुर करते जिक्र पाक करें और अपने जिक्र के जल्बों से इस मरकज को इसके जो आए साथी इन पे हम सब पे अपना करम फरमाए। حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير 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 الله حق الله موجود 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 الله نور محمد صلى 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 الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الله لا اله الا 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 الله لا اله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Allahu same man. Allahu 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 السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين لا से करते हैं ये जिक्र की इतनी बरकत है। लास्ट टाइम जब मैं न्यूयॉर्क गया मिलाद शरीफ के लिए सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वी डिड जिक्र ऑन द रोड्स मोर देन 10,000 पीपल गैदर्ड सुभान अल्लाह दैट वाज रियल ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एक्सेल्टेड पर्सनालिटी सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मोर देन 10,000 पीपल ये मेरे YouTube में भी जाके मोड़ा शिप क्लेम करें ना
यू कैन वॉच जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ भी रोकने वाले मुंह काले होते रहे, आशिकों के चेहरे मेरे नबी के नूर से चमक लगते रहे। आप फिक्र ना करें, यहाँ पर भी जिक्र होगा और सरकार का मिलाद मिलाने वाले आते रहेंगे। नबी साहब इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू पीपल, अमन यूथ ये आपके सामने हैं, वेरी होल होल हार्टेडली एंड फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम रिकमेंडेड हिम दैट ही इज अ रियल लवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इन्हें और कुव्वतें अता फरमाए, राजी सलीम साहब और इनके चाहने वाले जिस मरकज में जो बैठे हैं, व्हाटएवर द कंट्री यू हैव, हमारा एक ही मंजिल है, वी हैव वन डेस्टिनेशन, वी वांट टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, इज इट राइट? ये है, हमें गुलामी चाहिए, गुलामी है रसूल में हमें जिंदा रहना चाहिए। एक स्लोगन देना चाहता हूँ, ये हमारे अंजुमन मुहब्बान तरीकत का है, मैंने महसूस किया यहाँ पे ये सारे मोहब्बतों वाले हैं, तो मैं आपको एक मैसेज भी है, मेरा तोहफा भी समझ लें, कीप इन योर हार्ट्स इन योर थॉट, और ये आप सब ने कहना है या नबी के नाम से, क्या कहना है? या नबी के नाम से। हमें जो कुछ मिला नबी के सदके से, रब मिला नबी के सदके से, कुरान मिला नबी के सदके से, इस वजूद में बहार है तो ये सदका है तो ताएदार मदीना, हमारा ईमान कामल है तो नबी के सदके से, ये ईमान है, तो ये स्लोगन है, आपने हाथों को बुलंद करके क्या पता ये लम्हे उसकी बारगाह में कबूल हो जाए, अमली वाला पसंद कर ले, रब पसंद कर ले, सबकी दुनिया में इनकलाब आ जाए, ये बस मोहब्बतों के साथ कहना है। ये मैंने अमरीका सड़कों पे लगाया है, पाकिस्तान तो है ही औलिया की मरकज, इंडिया है ही औलिया की मरकज है, हमने दियारे गैर में भी नारे लगाए, बस्तियों से लगाने हैं या नबी के नाम से, रहमतों के साए में या नबी के नाम से, दो से है जी, रहमतों के साए में या नबी के नाम से, मंजनों की राह में या नबी के नाम से, जुल्मतों में रोशनी या नबी के नाम से, खुदा की पहचान है या नबी के नाम से, कुरान की शान है या नबी के नाम से, औलिया की जान है या नबी के नाम से, यू वांट टू गेट द नियरनेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू हैव टू अडॉप्ट द वे ऑफ द प्रॉफेट, ऑलमाइटी अल्लाह विल लव यू, अल्लाह के कुर्बतों के जलवों को हासिल करना है तो अपनी जबानों और अपने दिलों में नबी की मोहब्बत को बसाना, तो बसाएगा, उनके चेहरे भी चमकते हैं, उनके अफाल भी चमकते हैं, उनके साथ बैठने वाले भी चमकते हैं, अल्लाह ने ये चमकने वालों के साथ रखे और इस मरकज को, हाजी सलीम साहब को, उनके साथियों को हमेशा आबाद रखे। Sallallahu alayka ya से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सवारी से अपनी तुझिस दम उतरना, मदीने के आशिक जरा तू संभलना, क्योंकि यहाँ है मेरे मुस्तफा का गुजरना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे
रसूलल्लाह। ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्लाह, गजालत का बल के बुलंदा है वल्लाह। अरे जो मुर्दा कहे तुमको मुर्दा रहेगा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से शुक्र जाने मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कभी मौसो ख्वाजा के नारों से उलझे, तो कभी औलिया के मजारों से उलझे। ये खाकर नियाजे नियाजों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। ए मुनकर अजब खाने घुलाने वाले, मुनकर अजब खाने घुलाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सवारी से अपनी तुझस दम उतरना, मदीने के आशिक जरा तू संभलना, क्योंकि यहाँ है मेरे मुस्तफा का गुजरना। हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मुनाफिक है गंदा है वल्लाह, हजारत का बल के बुलंदा है वल्लाह। अरे जो मुर्दा कहे तुमको मुर्दा रहेगा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। कभी गौसो ख्वाजा के नारों से उलझे, तो कभी औलिया के मजारों से
से उलझे ये खा कर नियाज़ों से उलझे तेरा खाए तेरे गुनाहों से उलझे है मुनकिर अजब खाने मुर्राने वाले है मुनकिर अजब खाने मुर्राने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले जो मा
घड़ी
ही एहसान और करम है। मैं सबसे पहले आज के हमारी इस महफिल के मेहमान खुसूसी हजरत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सफ़ीर इस्लाम आशिक़ रसूल क़िबला पीर डॉक्टर फ़ज़ील अयाज आसमी दामत बरकातुहुल आलिया वाली मोड़ा शरीफ पीरा मोड़ा शरीफ बरी पाकिस्तान, हमारे आज के मेज़बान मोहतरम क़िबला जनाब हाजी मोहम्मद सलीम साहब और जितने भी आप यहाँ पर इनके मुआविनीन मददगार बैठे हुए हैं, सबकी खिदमत में बड़े ही अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इससे पहले भी कई मरतबा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन आज मेरे लिए और यकीनन आप सब के लिए भी ये लम्हात ये घड़ियां ये वक्त बड़ा ही बबरकत और बड़ा ही मुबारक है कि ख़ास तौर पर मेरे पीर मुर्शद और दरबार आलिया मोड़ा शरीफ हजरत ख्वाजा बाबा कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नज़र क़िबला पीर डॉक्टर फ़ज़ील अयाज कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़श्ता दो हफ्तों से आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तबलीगी रूहानी दौरे पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सिडनी में फिर न्यूजीलैंड में बड़े अजीम शान बड़े रूहानी प्रोग्राम मुनक़द हुए। पहली मरतबा आप यहाँ मेलबर्न में तशरीफ़ लाए, ग्रिफ़िथ में और उसके बाद शपिंटन में और आज इस वक्त आपके पास पहुँचे हुए हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबका गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज तमाम औलिया कामिलीन खुसूसन ख्वाजगान मौला शरीफ का सदका हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मौला शरीफ ये बड़ी रूहानी और बड़ी बबरकत दरगाह है जहां पर हजरत ख्वाजा बाबा कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 80 साल 80 ईयर पहाड़ों में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाई, अल्लाह का जिक्र किया और फिर उनके बाद उनके बेटे उनके नूर नजर वक्त के इमामुल आरिफीन हजरत गरीब नवाज पीर जैद खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप वहाँ तकरीबन 50 साल बैठकर उसी मकाम पर अल्लाह का जिक्र करते रहे और फिर उनके बाद उनके लफ्ज़ जिगर क़िबला पीर आफ़ताब अहमद कासमी दामत रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत पीर औलिया बादशाह और आज क़िबला पीर डॉक्टर फ़ज़ील अयाज ये पांचवी नस्ल है जहां पर मोड़ा शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की सदाएं जो है वहां पर बुलंद हो रही है। इस अल्लाह के जिक्र की बरकत से वहां के दर दीवार वहां की हवा वहां की मट्टी वहां के पत्थर उनमें भी अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें रखी हैं कि जो लोग वहां जाते हैं वो अल्लाह की रहमत का फैज और बरकतें लेकर लौट कर आते हैं। दरगाहें तो दुनिया में बेशक जितनी भी हैं हम सब के कायल सबसे मोहब्बत करने वाले तमाम औलिया कामिलीन को मानने वाले हैं,
गुरमोड़ा शरीफ एक ऐसी दरगाह है जहां पर वलायत के साथ साथ सिलसिलाए आलिया नक्शबंदिया का जहां पर फायज समुंदर की तरह लोगों को मिल रहा है, इसके साथ साथ वहां दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ जो है वहां पर आज भी मौजूद है। हजारों लाखों लोग जब साल के बाद वहां उर्स होता है पूरी दुनिया से सिर्फ उस जुब्बा रसूल की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। तो माशाल्लाह क़िबला पीर साहब जुब्बा रसूल के अमीन भी हैं और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि अल्लाह के किसी भी नबी के जिस्म के साथ कोई चीज जब लग जाती है वो बाबरकत हो जाती है। और फिर जिस वक्त तक वो कमीज वो मुंह मुबारक या नालायन शरीफ या कोई प्याला या कोई ऐसी चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के नबी के जिस्म के साथ लगती है जिस जमीन पर जिस घर में जिस दरगाह में होती है वहां पर लाखों लोग जब जमा होकर अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उस जुब्बा रसूल की बरकत से उन दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। क़िबला पीर साहब हमारे लिए दो वजहों से मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अदब और एहतराम के लायक हैं। नंबर एक कि आप हजरत गौस-उज़्ज़मा ख्वाजा बाबा कासिमौली रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नजर और आपके खानदान आपके पोते हैं, और नंबर दो पीर साहब क़िबला जुब्बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का जुब्बा जो है वो आपके पास वहां पर मौजूद है। अल्लाह ताला क़िबला पीर साहब का यहां आना और यहां पर जो भी जिक्र किया दुआएं की अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहां जहां लोगों ने वली ये कामिल समझकर वली की औलाद समझकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के आशिक समझकर दुआ के लिए दरख्वास्तें की अल्लाह ताला सब की मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वज़ सामईन अल्लाह ताला के जो वली होते हैं उनकी बड़ी बड़ी करामतें हुआ करती हैं, लोग बयान करते हैं देखते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि आज मैं आपके सामने अगर हूं बोल रहा हूं अल्लाह ने दीन का इलम दिया और जो भी मैं हूं आज ये क़िबला हमारे पीर साहब के जो वालिद ग्रामी पीर अफ्ताह अहमद साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह थे ये उनकी दुआ की बरकत है। मेरे वालिद ग्रामी ने एक मरतबा अपने इलाके में अपने गांव में एक मदरसा ऐसे ही दरस बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की तो मेरे वालिद साहब क़िबला पीर साहब के पास गए, कहा जी लोग बड़ी मुखालफत करते आप दुआ करें अल्लाह मुश्किलें आसान करें। तो पीर साहब ने फरमाया कि आपको दरस चाहिए या हाफिज चाहिए, दरस चाहिए या ये पीर साहब के अल्फाज से या हाफिज और आलिम चाहिए। उन्होंने कहा जी चाहिए तो दरस हाफिज और आलिम ही, इसलिए तो दरस बनाया है। पीर साहब ने फरमाया जाओ तुम्हारी नस्लों में जो है अल्लाह ताला हाफिज और आलिम पैदा करेगा। मैं आपको अल्लाह के घर में बैठा हूँ कि उसके बाद मेरे खानदान में मैं सबसे पहले और उसके बाद मेरे खानदान में जितने भी हमसे छोटे हैं वो सब कुरान के हाफिज और कारी हैं। माशाल्लाह यहाँ कनाडा में अमेरिका में साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड में और दुबई में जितने हमारे कजन हैं मुझसे 70 के करीब इस वक्त हाफिज और कारी जो है वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये भी हमारे पीर साहब के वो अल्फाज थे। मेरा बेटा ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने यहाँ पर 20 हाफिज कुरान पाक के इस पारे हिफ्ज कर लिए है और इंशाल्लाह एंड ऑफ ईयर ये हाफिज कुरान बन जाएगा। तो यहाँ भी रहकर मैं समझता हूँ ये पीर साहब की वो दुआ जो है उसका फैज और हमें ये अल्लाह ताला अता फरमा। तो मैं यानी ज्यादा और न कहते हुए इंशाल्लाह पीर साहब आखिर में जिक्र के साथ हम सब के लिए दुआ फरमाएंगे। बेशक सारे ही अल्लाह के वली बड़ी ही इज्जत के लायक होते हैं, उनका अदब करना चाहिए चाहे वो किसी भी दरगाह से हो। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, इसी तरीके से हर अल्लाह के वली का अपना फैज होता है। हम उनसे जो भी फैज ले सकते हैं हमें लेना चाहिए।
और ये लम्हे ये वक्त ये जो महफिलें हैं ये किस्मत वालों को अल्लाह ताला नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह क़िबला पीर साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो अपने नूरानी और विजदानी बयान से हम सबके दिलों को मुस्तफीज फरमाए। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए तहकीक نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رضان اسلام رضان دین متین شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء السلام علیکم وعلیکم السلام تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہے سبحان اللہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو کریم ہے ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے جو نور الہیت ہے تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے یا رسول اللہ تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے یہ جہاں فانی ہے مگر تیری ذات لا فانی اس لا فانی نے تیری شان بنائی ہے حضرت گرامی قدر I'm really thankful to حاجی سلیم صاحب who invited me to come over here. It is a wonderful evening. One of my two, three friends who recited Naat Sharif in a very beautiful way, a very impressive way. So these moments are really a blessing for everybody. Who recited Zikr or whatsoever, or Naat Sharif, it's the same thing. And we links with the Sufi people. The Sufi always invites those who have a great respect in their heart, in their thoughts, in their feelings, regarding to the Prophet Muhammad and the Prophet, if you look the history of the Prophet Islam and the blessing life of the Prophet Islam, it is full of blessing because Almighty Allah Himself mentioning in the glorious Quran, and nobody can challenge that we are lucky that we are linked with such a people who devoted their lives and sacrificed their lives according to the guidance of the Prophet Muhammad. That's whatsoever the order, either Naqshbandi, Qadri, Chishti, Shadri, Abbasi, these orders are straightly goes to the Prophet's love. Indicates and alarm your hearts. So Allah subhanahu wa ta'ala himself mentioning in the glorious Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. Subhanallah. The mercy for whole universe. If I am the creator of this world, Rahman and Rahim, and the master of the day of judgment, but my beloved, the exalted one on the face of the earth, that is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is mercy for everybody. Not the time of 1400 years ago, jab tak ye suraj chamakta rahega, jab tak chand chandni bakhirta rahega, mere nabi ki rehmaton ka faiz jari hoga. Nare takbir, Allahu akbar, nare risalat, ya rasulullah, nare tahqiq. Acha. And if you look and the history and the character of the companions of Prophet Islam, they are fully devoted and sacrificed according to the Prophet. And as I belong to the Naqshbandi order, and the first Khalifa of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, his character was glorious, and higher stations.
वो कैसे था? उसने ये नहीं देखा कि मेरा मुस्तफा क्या कहता है, उसने ये कहा कि जो मुस्तफा कहता है वो बरहक कहता है। He don't need any arguments. ये जर्नी बाय नाइट जो अब मेराज से हुआ है, जब सारों ने कहा कि ये the very spans of night in a very short time, the Prophet Islam traveled from Makkah to Bayt al-Maqdis and from Bayt al-Maqdis to go, he went to the higher stations. And he received the divine reality of Almighty Allah. It is impossible. Sab ne kaha, it is impossible. This journey is impossible. Lekin jab Abu Jahl mere aka ke first khalifa ke paas jata hai, kehta hai ki tumhare master ne aaj ek nayi baat chhed di hai. Ye raaton raaton safar karke aasmanon se hoke wapas aa gaya. That is impossible. It's beyond your or imagination. Subhanallah. अगर मेरे मुस्तफा ने कहा है तो सच कहा है, वो कर सकता है, वो जा सकता है और उसके जलवों से सीने को मनवर हो सकता है। हम हमारा ये अकीदा है ना, चाहे हम जितने बैठे हैं लेकिन आशिक बैठे हैं। हजी सलीम साहब को मैं सलाम करता हूँ कि इस दियारे गायर में भी मेरे नबी के इश्क का फैज जारी किया है। अल्लामा हज़ारवी साहब को सलाम करता हूँ, मुश्किलें आती रहती हैं बट अपने ट्रैक से डी ट्रैक नहीं हुए, प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस एंड द लव ऑफ अ प्रॉफिट। सुभान अल्लाह। और जो ये करता है उसे कमली वाला नजरे करम फरमा। हम क्यों दुरूद पढ़ते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू स्पीच इन डिटेल्स, यू नो, आई एम जस्ट पिकिंग अ फ्यू हिंट्स, यू नो, टू जस्ट टू एलैबोरेट यू द रियलिटी एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द प्रॉफिट अमंग द ह्यूमैनिटी। इंसान जो हाजरा साहब कहते हैं हमारे जैसा नबी, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि तुम कहते हो हमारे जैसा है, तो फिर हदीसों को उठाकर देखो। जब मेरे नबी ने मतवाते रोजे रखे थे, वो जो सहाबी जो नूर के जलवों में रहने वाले, जो मेरे प्रॉफिट के करीब रहने वाले, एंड दे अटेन द रियलिटी एंड लव ऑफ द प्रॉफिट डायरेक्टली, वो भी रखने लग पड़े और चंद दिनों के बाद चेहरे मुरझा गए। मेरे नबी ने पूछा तुम्हारे चेहरों को क्या हो गया है? कहने लगे या रसूलल्लाह आप भी मतवातर रोजे रख रहे हैं, हम भी मतवातर रख रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा कि क्या तुम मेरी नस्ल हो, क्या तुम मेरे जैसे हो? ये किसको कहा होगा? अबू बकर को कहा होगा, उमर फारूक को कहा होगा, अली शेर खुदा को कहा होगा, बिलाल हबशी को कहा होगा, अबू हुरैरा को कहा होगा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को कहा होगा। उनके इल्म भी आला है, उनका इश्क भी आला है, उनकी वफा भी आला है, उनका जिक्र भी आला है, उनका नबी के साथ इश्क भी आला है। अगर नबी उन्हें कह सकता है कि तुम मेरे बराबर नहीं हो, तो आज जो की सदी का मुसलमान कैसे हो सकता है? ये तो उस मेरे नबी का स्लोगन है और हर नबी जो आता रहा सबका यही स्लोगन है, जो वर्शिप द वन एस अदाल मैट, एक रब की बंदगी का पैगाम। तो मेरा नबी जो है वो अंग्रेज कहता है कि मेरा नबी, मैं सलाम करूं अपने नबी पे, सल्यूट करूं, दुरूद पढूं, जिक्र करूं, चाहे वो उर्दू में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, व्हाटएवर द लैंग्वेज यू यूज, बट विद डिवोशन एंड सिंसियरिटी। वो कहता है ये नबी जो मोहम्मद मुस्तफा है, उसकी ज़बान से मेरे नबी की अजमत एंड करेक्टर के लिए रियलिटी निकल रही है, द वर्थ ट्रस्टी प्रॉफिट ऑफ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, उनके ज़बान से निकलती है। वो कहता है ये अरब के बिखरे वालों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, बल्कि कायनात के बसने वालों को अमन का पैगाम देने। जब निकल जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, उसकी जिंदा दलील और मिसाल ये बैठे। और फिर यहाँ भी हाफिज बन के, आलम बन के पाकिस्तान नहीं दुनिया का सफर कर रहे हैं। तो फिर देखो सुपरमेसी
کہ حضور آقا مدنی تاجدار کملی والا آقا نور مجسم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت العالمین مرسی فار ہیومینٹی مرسی فار ایوری تھنگ آن دی فیس آف ارتھ. یہ صرف ہیومینٹی نہیں, میں نے ہیومینٹی بات کی ہے, آپ کی تو مرسی جانوروں پہ بھی ہے, نباتات پہ بھی ہے. وہ ہے وہ ترمذی شریف کے حدیث کو دیکھے نا, اگر مرسی نے تو وہ روئی ہے نا, وہ جو جس پہ کھجور کا تنا جس طرح کے ساتھ کملی والا اپنا نور کا جسم لگاتا تھا اور بیٹھ کے ہدایت کا پیغام دیتا تھا, he gave the right message to their lovers. سبحان اللہ. تو وہ کیا تھا, جب کسی عاشق نے ممبر لا دیا, کملی والا ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ تنا رونے لگ پڑتا ہے, سسکیاں لے کے رونے لگ پڑتا ہے, crying like a child. اور سارے سن رہے ہیں صحابہ, یہ کیا ہو گیا, amazing بات. لیکن اب یہ ہمیں عقل ہمیں بتانے کے لیے, انہیں تو معلوم تھا یہ نبی انسانوں کا نہیں ہے, یہ کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی بن گیا, وہ ذرہ ذرہ کا نبی ہے.